हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, फाइनली 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 बोल सकते हैं, इतने दिन से आप सब की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हजरत यूसुफ सीरीज पे रिएक्शन करो, हजरत यूसुफ सीरीज पे रिएक्शन करो। तो फाइनली हम लेके आ गए हजरत यूसुफ सीरीज। अब ये नहीं पता कि ये ब्लॉक होती है क्या होता है, क्योंकि अर्तुरुल गाजी वाली मैंने कम से कम भी 12-13 बार अपलोड करी भाई, काट काट के सारे क्रॉप करके सब कुछ करके देख लिया। लेकिन बट वो मैंने भाई इस पे भी रिएक्शन देखे हैं लोगों के, हाँ एंड आई उस पे भी देखे थे, उस वो पे भी भी लोगों देखे के डले हैं। हैं, इस पे भी लगे हैं लोगों के डले हैं। हमने हजरत उमर सीरीज करी थी, वो भी ब्लॉक हुई थी, ये भी ब्लॉक ही होगी मेरे को पक्का पता है। बाकी देखते हैं फिलहाल क्या रहता है, कैसे रहता यार है। तो अपलोड तो करते हैं फिलहाल पहली वाली और देखते हैं। अगर तो भाई आ गई तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जी भर के प्यार करना, सो दैट हम यस आगे भी कंटिन्यू कर सके सीरीज को ना। ये नहीं कि आपका प्यार नहीं हो, आप देख नहीं दिया तो फिर हमारा हाँ आगे देखने का मन नहीं करेगा। नहीं यार, हम अकेले ही देखे जा रहे हैं, बाकी आप साथ देख देखने तो हम देख लेंगे अकेले। फिर हमें फील होगा कि हम अकेले बैठ के देखते हैं, हाँ वीडियो नहीं रिकॉर्ड करते, आपके साथ नहीं देखते, बट हम देखेंगे भाई सारे इकट्ठे। ठीक है, प्यार जरूर करना। सो फिलहाल करते हैं भाई हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की इस पूरी जर्नी को स्टार्ट। यस एक पुरान शहर, ये किसी राजा का लग रहा है इस गेट को। सब कुछ कुछ लेके जा रहे हैं। इश्तारे बुजुर्ग, इस बच्चे को शिफा अदा कर, इसकी परेशान माँ का दिल शाद कर दे और इसकी माँ की परेशानी को शादवानी में बदल दे। ए मेरे खुदा, इस बच्चे को शिफा अदा कर। इस बच्चे की माँ यह अहद करती है कि तेरी बारगाह तेरे हुजूर में कीमती नजराने पेश करेगी। मैंने इश्तारे अजीम से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ की है, उसने मेरी दुआ सुन ली। जाओ और अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करो कि वह बड़ा होकर इश्तार का पैरोकार बने। आपके इश्तारे अजीम की बहुत बहुत मेहरबानी। इश्तारे मेहरबान पे दुरूद सलाम हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा बच्चा मौत के दहाने पर था, आपने उसे नई जिंदगी बख्शी। इश्तारे अजीम बुजुर्ग, इश्तर को सलामत रखे, इश्तर की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बच्चा भी हमारे बच्चे कितना शिफायाब हो जाएगा। हाँ इश्तार मेहरबान और कुदरतमंद है, यकीनन इसे भी शिफा देगा। यकीनन ऐसा ही है। चलें। चलो चलें। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग जो खुद मस्जिद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो। तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो। तुम ये सब बातें अपने तय कर रहे हो और बेकार में हमारे खुदाओं की तोहीन कर रहे हो। मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ और मेरी बातें कलाम-ए-इलाही में से हैं। ये किताब वो आसमानी सहीफा है जो मेरे जद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। मैं उनके दीन का पैरोकार हूँ और इस किताब की तरवीज और तबलीग पर मामूर हूँ।
मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। इस आसमानी किताब में ये भी लिखा है कि तुम हमारे खुदाओं की तौहीन करो। मैं तौहीन नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। अगर जानते हो तो जवाब दो, अगर नहीं जानते तो कबूल करो। मैं आपसे पूछता हूँ, ईस्तार की इबादतगाह के बुत तुम्हारे खालिक हैं या तुम्हारी मखलूक? तुम लोग ईस्तार के हुक्म के ताबे हो या वो तुम्हारे ताबे है? ईस्तार तुम पर हुक्म चलाता है या तुम उस पर? अगर ईस्तार एक कमजोर और नातवां पत्थर है तो फिर उसने किस तरह हमारे बेटे को शिफा बख्शी? सही कह रहा है, हमने भी देखा है। हाँ ये ठीक कहता है, ईस्तार ने इसके बेटे को शिफा दी, मैंने देखा है। वो हकीम दाना जिसने तुम्हारी आवाजारी सुनी उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा बख्शी, ना कि ईस्तार ने। तुमने अगरचे गैर खुदा से लौ लगाई और गैर से ही मदद तलब की, लेकिन वो जो तमाम बंदों के हालात से वाकिफ है उसने तुम्हारी हालत इजार पर रहम किया और तुम्हारे बच्चे को जिंदगी बख्शी। तुम्हारे पास बसारत तो है लेकिन बसीरत नहीं। तुमने ईस्तार को देखा लेकिन हकीकी शिफा देने वाले को नहीं देखा। याकूब की बातों का खुलासा यह है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर इसके खुदा की इबादत करें। क्यों? सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदाए यक्ता की परस्तिश की दावत दे रहा हूँ। कायनात की हर शय से बाला। हम क्या जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दीगर खुदाओं से बेहतर और बरतर है? क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबूद इश्तार के काहिन की तरह सेम उतर जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो? सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चराता हूँ और मेरे पास अपना साथी कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजानिब हो, तुमने अपना अकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्तर जादूगरनी ने और ना ही माबूद के खुदा ईस्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बजानिब हो। मुझे माबूद के आजिज खुदा ईस्तार से कोई सरोकार नहीं, मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महबूद के काहिन आ गए, यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ इसे छोड़ दो। आपने किया क्या? जाओ, इसे छोड़ दो। जाओ उसे पकड़ो, भाग नहीं ना पाए। जाओ अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता के। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहाँ से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर कान मत धरो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कुफर आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है? चलो चलो यहाँ से, चलो गजब नाजिल हो जाए। चलो चलो अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बारान रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना। अरे
अच्छा इसका रहम करो, इसका गुनाह क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। तुम ही निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। छोड़ो मुझे, मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है? हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। भाई ने बहुत रहम पर रहम करे, फारस ने कुछ नहीं किया। यही सजा है। पद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। फारस को सजा मिलनी ही चाहिए। मुजरिम फारस इश्तार का दुश्मन है, इसने पत्थर से इश्तार पर हमला किया और इसे बेकार और फजूल कहकर पुकारा है। पद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम इश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। साहिब आजम, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। मतदान के लोगों, मेरी मदद करो, उस पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैं मतदान के लोगों, मैं मतदान वालों, उस पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, रहम करो, छोड़ दो मुझे। मैं बेकसूर हूँ, उस पर तरस खाओ, उस पर रहम करो। मैं मतदान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है, मेरी खता क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ। मैं क्या है, मैं बेगुनाह हूँ। फजूल में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। इसका खून बहा कितना है, मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या वो खुद इश्तार के दुश्मनों में से है? तुम तो खुद इश्तार के दुश्मनों में से, पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी राय की सजा नहीं? इसे गिरफ्तार करो और उसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ए, यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुलजिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दीनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा।
खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर मैं कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जब तक मैं खून भा अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा, आपका बेदाम गुलाम बनकर रहूंगा। आंखों में बदला। आपने फारस के पूरे खानदान को निजात दी है, आपने हमें नई जिंदगी अदा की है। चलो आओ चले। आदमी है बेचारा, हमेशा काम में जुटा रहता है। सारा साल से इश्तार फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यक्ता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यक्ता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्दी आ नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूँ। अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। सरदार और उसके हमराइयों पर दुरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दुरूद हो। शुक्रगुजार हूं। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें इन खजूरों की जरूरत है। कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माविद इश्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्मे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातवा मुजस्मों की परस्तिश करते हो? क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदाए यक्ता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? इश्तारे बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत गाह को तुम्हारे दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तारे अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुसल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके
फतान के लोगों पर बाराने रहे हमेशा की तरह महबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तोहिन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला नहीं फतान के लोगों पर नाज़िल करो ए इश्तारे अजीम। याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ। आली जनाब, महबूद इशार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चले। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ मेरे बाप की तौबा। खोलो इसे, मेरे साथ आओ। सजा देते हैं ना? ज़ाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतालिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाब दे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? का खुदा इश्तार अजीम गज़बनाक है, मुझे कैद और खुशकसाली नजर आ रही है। फतान के लोगों पर खुशकसाली और मौत का साया मंडला रहा है। मैं काहिने आज़म को बुलाता हूं। सीधा माए देख रही हूँ, इश्तार को गजबनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तोहिन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गजबनाक किया है, जिसने खुदा की तोहिन की है जल्दी अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। सारे बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर हमें इस बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी। इसी वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फतान की कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था, अब बरमला इजहार करता है। मजमाए आम में बरमला इश्तार की तोहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ करना होगा। तुम्हारे क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है, अगर बाबुल में माबद इश्तार के कहीं ने आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। पर आवाज चल पड़ी।
याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुकमा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। सो गाइस, ये थी वीडियो। yes. हम इसको देखेंगे दो पार्ट्स में क्योंकि हमारे कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं होती इतनी ज्यादा। yes. तो ये 45 मिनट्स का एक एपिसोड है तो इसको हम दो पार्ट्स में देखा करेंगे। फिलहाल लाबान को बोला गया है कि हजरत याकूब अलैहि सलाम को चुप करवाने के लिए क्योंकि वो उनके खुदाओं के बारे में तोहीन कर रहे हैं, इनका भांजा है वो, चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। बट देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होता है, क्या चलती है, क्या चलती है। बस मेरी कोई टेंशन ये है कि मैं इनकी वीडियो ब्लॉग ना हो जाए, बस वीडियो खुल जाए तो हमें भी मजा आएगा। और इस वीडियो में प्यार करना, शेयर करना मेन बात है भाई। जिनके पास तो सभी के पास ये है, जिनके पास एलईडी एंड्रॉइड टीवी है वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के जरूर देखना टीवी में हमारी सीरीज, और हमें वीडियोस भेजना मेंशन करके तो हम देखा करेंगे, वो हमें बताना कमेंट में कि हम देख रहे हैं ना। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।